कल मैंने व्लॉग एंड की थी, लेकिन फिर भी सुबह अभी बना लिया। मैं वॉक पे आ गई हूँ। ये देखिए सनलाइट थोड़ा बहुत आ रहा है। मैं जल्दी आ गई, आज 7:30 बजे आ गई। उसके बाद में बेटा हेयर कट के लिए गया है, उसको टाइम नहीं मिलेगा बाद में, इसलिए और ना कटिंग शॉप में इतना रश रहता है तो जा नहीं पाते। तो वो वॉक कटिंग के लिए गए, तो मैं वॉक पे आ गई। उसके बाद मैं जाके एक्सरसाइज कर लूँगी, यही ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। तो वॉक मेरी हो जाएगी अभी और चलती हूँ। ना घर, बड़ा घर बनाया रहे, कितना बड़ा है घर। हाय, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ बहुत दिन के बाद। मुझे लगा थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि रेसिपी देख देख के आपको थोड़ा बोर तो होगा नहीं, फिर भी ठीक है, एक दिन बीच में व्लॉग बनाऊँगी। तो ये मैं दूसरे मोबाइल से बना रही हूँ, क्योंकि एक मोबाइल तो उसके पास ही रहता है, उसको ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स, आई मीन क्या, मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो उसमें देख सकता है, तो इसलिए मैं वो ज़्यादातर अभी यूज़ नहीं करती हूँ। देखो, वीडियो तो इसमें बनाती हूँ और उसमें तो मुझे एडिटिंग करने का है और अपलोड तो उसमें करने का है। तो चलिए, आज मैं सुबह एज़ यूजुअल उसी टाइम पे उठ गई और वॉक पे मैं एक 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा जा के आती हूँ, क्योंकि मुझे सनलाइट चाहिए। विटामिन D3 का थोड़ी डेफिशिएंसी हो जाता है ना, तो इसलिए सनलाइट के लिए मैं एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो कर लेती हूँ। कभी कभी बीच में, ऐसा तो मैं चूकती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो सुबह का नाश्ते में आज दिखाती हूँ क्या बना हुए। तो मैं वॉक करके आ गई हूँ और चलिए और किसी को दिखाती हूँ। चलिए, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल बेटा स्कूल नहीं, उसका स्टडी हॉलीडेज है ना, 10 दिन का है बस, उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी है, तो इसलिए घर पे ही रह जाते हैं ना। तो मैं सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, वो भी लेट ही खा लेता है, ऐसे कि 9:30 बजे, अभी तो 10 बज गया है, तो रेडी हो जाएगा। चलिए, मिलती हूँ बाद में। खाने में क्या बना, हाँ खाने में तो उसके लिए चाउमीन है। मैं भिंडी का क्या कुछ बनाती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है, मिलती हूँ बाद में। तो ये मैंने बनाया है अपने लिए सूजी का या तालीपीठ बोलते हैं महाराष्ट्र में, और हम लोग भी ज़्यादातर इसे तालीपीठ ही बोलते हैं। तो ये मैंने अपने लिए बनाया, मेरा बेटा तो ये खाएगा नहीं, हेल्दी है लेकिन फिर भी नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ चाउमीन। ये तो आटे का चाउमीन है, आई मीन व्हीट फ्लोर का है, मैं मैदा का ज़्यादा मंगवाती नहीं हूँ। तो उसके साथ वेजिटेबल्स भी होता है ना, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है, तो इसलिए मैं ये उसके लिए बना रही हूँ। दोनों टाइम का हो जाता है, ब्रेकफास्ट का भी हो जाता है और लंच का भी हो जाता है, तो ये सब रेडी करके रखी हूँ डालने के लिए। तो ये बन गई मैं चाउमीन, और ये दूसरा वाला बन रही है। तो ये रही, मैंने प्लेट में डाल दिया और एक टुकड़ा भी मुँह में डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ी बहुत सब्जियां भी ऐड करा, आई मीन कोरिएंडर लीव्स ऐड किया है मैंने, पुदीना ऐड किया है, और अगर आपको चाहिए तो कैरेट भी। मुझे देर हो गई तो मैं कैरेट श्रेड नहीं कर सकी, तो ऐसे ही बना लिया, और उसमें मैंने ऑनियन भी डाला है, तो बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने सूजी को पहले से ही थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि नहीं तो सूजी सॉफ्ट नहीं होता है इमिडिएटली बनाएंगे तो। तो चलिए, मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरी कषाय रेडी है, हमारे यहाँ इसे कषाय बोलते हैं, क्योंकि ये तो धनिया और जीरा से बना हुआ रहता है, इसमें और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिला के बनाते हैं। तो मैं ये शुगरलेस ही पी लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय में बस थोड़ा सा चीनी डालती हूँ, वो भी मैं ब्राउन शुगर डालती हूँ, आपको तो पता ही है। तो ये मेरी कषाय बन गई।
और डस्टिंग तो मैंने लास्ट वीक ही कर ली थी, क्योंकि बेटे का जब छुट्टी शुरू होता है ना, उससे पहले मैंने स्टडी हॉलिडे के पहले ही मैंने किया था, क्योंकि डस्टिंग अगर उस टाइम पे करती हूँ तो उसको एलर्जिक है, डस्ट एलर्जी है, तो होगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही करके डीप क्लीनिंग जो है वो करके रखी थी। ये देखिए उसका बुक्स, हाँ ये ज़्यादा वहाँ पर बैठता नहीं है, कभी कभी वहाँ पे बैठ जाता है, उसको कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, सभी जगह मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मॉपिंग होगा। तो मैंने बेड स्प्रेड भी चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार चेंज कर ही लेती हूँ, हफ्ते में एक बार मैक्सिमम मैं 15 डेज़ में रखती हूँ, नहीं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा सोते सोते। और मैं एक दिन एक बेड स्प्रेड चेंज कर लेती हूँ और दूसरे दिन दूसरा वाला, एक ही एकदम पूरा नहीं चेंज करती, क्योंकि मशीन में तो होगा नहीं। चलिए बेड स्प्रेड भी चेंज कर दिया। खाने में मैंने बनाया है ग्रिंडी सॉरी भिंडी की खट्टा वाला, और दही डाल के इसकी ग्रेवी बनाई है, वो हमारे मैंगलोर स्टाइल में बनाते हैं, और मेरे जो ये रेसिपी जो है वो पहले मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, वो लिंक में जाके आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बनाया और चावल बनाए मैंने बेटे के लिए, तो थोड़ा बहुत चाउमीन भी है, और शाम को मैं बनाऊंगी चने का कुछ बनाने वाली हूँ। अभी दोपहर के लिए बस इतना सा, ये भी बच जाएगा शाम के लिए, लेकिन फिर भी मुझे बना के रखूँगी तो मैं सुबह सुबह के लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटे का पढ़ाई चल रहा है, कभी कभी यहाँ पे बैठ जाता है, कभी कभी रूम में बैठ जाता है, कभी कभी चेयर पे बैठ जाता है, उसका स्टडी टेबल है ना वहाँ पे बैठ जाता है, तो उसका स्टडीज़ चल रहा है। और ये रही मेरे घर की। तो दोस्तों दोपहर की खाने की रेडी हो गई हुई, अभी हम दोनों खाना खाएंगे और थोड़ी देर के लिए मैं सो भी जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने बाथरूम सब क्लीन कर दिया, उसके बाद नहा लिया, और तो हो गया दोपहर का काम। शाम को देखती हूँ, शाम का भी थोड़ा बहुत मुझे वॉक करने का है, और उसके बाद नहीं, पहले मैं एक ग्रेवी बना के जा उसे रेडी करके जाऊँगी, उसके बाद वॉक पे जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं अभी तो 2:30 बजे भी हुआ नहीं है, तो वो आधा घंटा ऐसे सो जाती हूँ, उसके बाद उठ जाती हूँ, उसके बाद तो मुझे नींद नहीं आती है, तो उसके बाद मैं ये कुछ भी अगर शाम के लिए चाहिए तो वो बना के रखूँगी। और हो गई, बेटा तो पढ़ाई कर रहा है, और अभी एक आधा घंटा करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, उसके बाद फिर से बैठ जाएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ बाद में। तो मैंने डाल दिए कपड़े वॉशिंग मशीन में और बाहर भी निकाल दिया, अभी शाम की टाइम है 4:30 हो गया है। मैं आपको बताया था मैंने कि ग्रेवी बना के शाम की जो डिनर की ग्रेवी बनाने का है वो बना के जाऊंगी, लेकिन वो मैं आने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि सब कुछ मैंने जो प्याज है टमाटर है वो सब कट करके रखी हूँ, और आने के बाद बनाऊंगी, ये सब जो छोटी छोटी काम है वो निपटा के मैं वहाँ पे जाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो छोटे वाली बालकनी है वहाँ पे पिजन जो है अपनी घर बना रहे हैं, और छोटा छोटा जो ब्रांचेस रहता है ना उसका टुकड़े लेके वहाँ पे घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं करेगा या नहीं, रहने दीजिए, वो अपना घर करेगा तो हमें खुशी है। ये दोस्तों अभी सुखाते हैं कपड़ों को। हाँ फ्रेंड्स, मैं वॉक पे जाके आ गई हूँ, और अभी छोले के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ पूरा। मैंने कहा था आपसे कि पूरा मैं जैसे कि प्याज टमाटर पूरा कट करके रखे गई थी, तो उसके बाद अभी मैंने उसे मिक्सी में डाल दिया है। ये देखिए ग्राइंड भी कर लिया मैंने, अभी कुकर मैं डायरेक्टली कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि ये वो झंझट के से अच्छा है। तो पंजाबी स्टाइल की छोले बनाना चाहती हूँ, और अगर हो सका तो भटूरे सुबह मैं सुबह के लिए थोड़ा सा भी आटा भून के रखती हूँ, तो भटूरे बना दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए भटूरे खाए नहीं। मैं ज़्यादातर ऐसे पूरियाँ बनाती हूँ,
बस अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा भटूरा बनाऊँ, सुबह के नाश्ते के लिए भी हो जाएगी। तो ये तो सुबह तक ख़त्म नहीं होगी, रात को भी हमें दोनों वक्त के लिए सफिशिएंट है, तो इसलिए भटूरा बनाऊँगी तो सुबह भी खा सकते हैं। चलिए ये बना के आपसे फिर से मिलती हूँ। दही 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 दही, वाह वाह। तो फ्रेंड्स, मेरी काम भी हो गई है और अभी एक रोटियां बनाने की काम है, वो ख़त्म करके हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद आज का दिन का तो ब्लॉग भी एंड हो गया है। और आज मैंने ऐसे कसम खा ली कि आज ब्लॉग बनाने का ही है। बहुत दिन हो गए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, ब्लॉग नहीं बनाया, बस रेसिपीज डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे और मोबाइल के चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। चलिए, थोड़ा दिन तो ऐसा चलेगा क्योंकि हमें पहली प्रेफरेंस है एजुकेशन में, तो बेटी का एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये सब है ना। तो चलिए, आज का व्लॉग यही ख़त्म कर लेती हूँ। फिर से और एक व्लॉग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए कि कैसे मेरा व्लॉग था, आज का व्लॉग कैसा था। ठीक है, चलिए मिलती हूँ और व्लॉग्स बनाने की कोशिश भी करती हूँ बीच बीच में। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोबारा बोल रही हूँ। देन मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय। तो ये बन गई हमारी रोटी।